कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई थी। अब वो बैठक 6 जनवरी 2021 को पटना में होगी। खैर, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव 18 दिसंबर को होना था वो अब टल चुका है। आपको बताते चले कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं और उनकी पार्टी इस बार एनडीए के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जिनमें उनको 7 सीटें मिली थी, जिस पे उन्होंने 4 सीटों पे जीत हासिल की थी। उसके बाद जीतनराम मांझी के बेटे सुमन मांझी को भी इस बार नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई और उन्हें बिहार सरकार का मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद संगठन का किस तरह से विस्तार हो इसको लेकर 13 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी लाई गई थी, जिसमें जो चुनाव होना था 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसको लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अभी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद जो 18 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव जो थी वो टल जाती है। उसके लेकर जब आज हमने हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होना था वो अब 6 जनवरी को होना है। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। देखिए, 13 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि 18 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन वो बैठक कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई थी। अब वो बैठक 6 जनवरी 2021 को पटना में होगी। उक्त बैठक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदों का निर्वाचन किया जाएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था वो अब 6 जनवरी को होगा, क्योंकि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी कोरोना पॉजिटिव हैं, इसके कारण जो 18 को चुनाव होना था वो अब 6 जनवरी को चुनाव होगा। तो वहीं आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी की पार्टी को 4 विधायक के उनकी जीत कराए। उसके बाद जो पार्टी का कद भी अब बिहार में बढ़ चुका है, इसको लेकर जीतनराम मांझी अब पार्टी का किस तरह से विस्तार करें, संगठन को किस तरह से मजबूती दें, इसको लेकर जो अपना पार्टी की बैठक थी वो 13 दिसंबर को होनी थी, जिस दिन हुई उसके बाद जो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था वो अब कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 6 जनवरी को कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जीतनराम मांझी भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के सदस्य भी इस बार बने थे, प्रोटेम स्पीकर भी उन्हें बनाया गया था। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द